that's just my point of view. हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपके लिए, आपके फोटोग्राफी के लिए कौन सा लेंस सूटेबल है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं कि मैं कौन सा लेंस लूँ, ये वाला कैमरा ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो आज मैं जिस लेंस के बारे में बात करूँगा वो है, सबसे पहला जो लेंस है वो है किट लेंस 18-55 mm लेंस, 18-55 mm लेंस। दूसरा है 50 mm लेंस जो कि है प्राइम लेंस, और तीसरा है 55-250 mm लेंस जो कि एक और किट लेंस है। तो आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ आप आसान भाषा में समझिए क्या होता है। फोकल लेंथ आप जितना दूर तक जूम कर सकें वो होती है एक लेंस की फोकल लेंथ। ये सब मैंने सरल भाषा में समझाया हूँ, वैसे तो इसकी कुछ और डेफिनेशन है। मैं चलिए पहले आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको 18-55 mm लेंस की, 18-55 mm लेंस की ये फोकल लेंथ। तो अभी ये लेंस आपको 18 mm पे शूट करके देगा, यानी वाइड फोटोज़ क्लिक करेगा, पर जैसे ही आप जूम करते हैं तो इसकी रेंज बढ़ के 55 mm तक हो जाएगी, यानी जूम करने के बाद आपको कुछ इतने डिस्टेंस तक की फ़ोटोज़ मिलेंगी। तो अब बात करते हैं 50 mm के फोकल लेंथ की। ये लेंस जो है वो प्राइम लेंस है, 50 mm एक प्राइम लेंस है। प्राइम लेंस का मतलब होता है इसमें आप जूम नहीं कर सकते, इसमें आपको अपने ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा एक शॉट लेने के लिए, या तो दूर खुद से आपको चल के होना पड़ेगा, इसमें आप कोई जूम नहीं कर सकते। तो जब आप 50 mm का यूज़ करते हैं तब आपको अपने ऑब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट के करीब जाना पड़ेगा पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करने के लिए, इसमें आप जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने हिसाब से आपको चल के अपना फ्रेम सेट करना पड़ेगा। तो अब 55-250 mm लेंस के बारे में बात करते हैं। ये देखा जाए तो ये दोनों लेंस से फोकल लेंथ के मामले में आ गए, इससे आप अच्छा खासा जूम कर सकते हैं, मतलब आपको अपने ऑब्जेक्ट के करीब नहीं जाना पड़ेगा फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, आप अच्छे खासे डिस्टेंस मेंटेन करके उससे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। मतलब 55 mm से लेके 250 mm तक आप इससे जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है वो 55-250 mm लेंस, और वो रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो आपको मैं आप कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 55-250 mm लेंस का यूज़ करके। अभी मैं यहाँ पे आपको आधा ही जूम करके दिखाता हूँ, देखिए अभी आधा ही इतना है। अब यहाँ पे मैं पूरा कर रहा हूँ, मतलब पूरा 250 mm का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपको यहाँ पे जूमिंग कैपेबिलिटी इस लेंस की मिलती है। अब बात करते हैं एफ स्टॉप की, यानी अपर्चर की। जब भी आप एक लेंस खरीदते हैं तो एफ स्टॉप यानी अपर्चर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है एक लेंस परचेज करने में। अभी मैं यहाँ पे आपको 18-55 mm की जो अपर्चर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 18-55 mm लेंस। अब मैं आपको दिखा दूँ, जब इसकी फोकल लेंथ 18 mm है तो इसका जो एफ स्टॉप है वो 4.5 है, लेकिन जैसे ही मैं जूम करूँगा इस लेंस को, जूम करूँगा यानी 55 mm तक इसकी फोकल लेंथ को लेके जाऊँगा, तो इसका एफ स्टॉप चेंज होके 5.6 तक हो जाता है, यानी जो इसका मैक्सिमम एफ स्टॉप है वो 4.5 से जो मिनिमम है F22 तक जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक अलग से ऊपर वीडियो मिल जाएगी अपर्चर के ऊपर, आप वो देख कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं 50 mm लेंस की। इसका जो मैक्सिमम एफ स्टॉप है वो है F1.8, यानी ये ऑप्टिमम होता है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। जितना वाइड अपर्चर उतनी ज़्यादा अंदर लाइट आएगी और उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी लो लाइट में। अब इसका जो मिनिमम एफ स्टॉप है वो F22 तक जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको अपर्चर के ऊपर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं 55-250 mm लेंस की। इसका जो मैक्सिमम एफ स्टॉप है वो है F4.0, जब ये 55 mm की फोकल लेंथ पे रहता है, पर जैसे ही मैं जूम करूँगा 255 mm का यूज़ करूँगा तब इसका एफ स्टॉप बढ़ के 5.6 तक हो जाता है। तो ये आपको लो लाइट परफॉर्मेंस में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस करके देगा 18-55 mm लेंस से, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 50 mm जीतता है। तो अब बात करते हैं तीनों लेंस के एरिया ऑफ यूज़ की, और ये किस सिचुएशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो लेंस है वो है 18-55 mm लेंस। ये एक वाइड लेंस है, आपको वीडियो देख के तो पता चल ही गया होगा।
तो वाइड लेंस हमेशा, जब भी आप लैंडस्केप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं ना, जब जिसे लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करना है, तो वो इस लेंस को ज़रूर खरीदे। जैसे मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो इन लेंस को ज़रूर अपने साथ रखता हूँ, जैसे किट लेंस हो गया, 18-55 mm लेंस हो गया। और इसे मैं एक जगह और यूज़ करता हूँ, जब भी मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ या स्ट्रीट में कोई पोर्ट्रेट्स क्लिक करता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा वाइड एरिया कवर करके देता है मुझे ये लेंस, तो मैं इसे अपने साथ ज़रूर रखता हूँ। अब बात करते हैं 50mm लेंस की। तो 50mm एक प्राइम लेंस है और इसे मोस्टली पोर्ट्रेट के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब भी आपने कभी 50mm के बारे में सर्च किया होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एक रीज़न मिला होगा ख़रीदने का, वो है पोर्ट्रेट। 50mm से बेटर पोर्ट्रेट कोई क्लिक करके नहीं देता। मैं भी इसे जितनी भी टाइप की पोर्ट्रेट्स होती हैं सबके लिए मैं यूज़ करता हूँ, चाहे वो स्ट्रीट पोर्ट्रेट हो, चाहे वो आउटडोर या चाहे वो फैशन, किसी भी टाइप की पोर्ट्रेट हो, मैं 50mm का यूज़ ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देता है। आपको अगर एक पोर्ट्रेट चाहिए अच्छी, तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड भी चाहिए होती है, जो कि ये 50mm लेंस ही आपको प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं 55-250mm लेंस की। ये मेरे हिसाब से एक मल्टीपर्पज़ लेंस है। एक तो पहली बात ये कि एंट्री लेवल जूम लेंस है, तो इससे आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। आपको अगर बर्ड्स की फ़ोटोज़ क्लिक करना है या कोई भी जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए या कोई भी एनिमल्स हो गए, तो उनकी आप फ़ोटोज़ अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। एक वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी 55-250mm से रिलेटेड, तो आप वो ज़रूर चेक कर लेना। इसके बाद अगर आपको पोर्ट्रेट्स क्लिक करना है तो आप इस लेंस को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट फोकल लेंस पे अच्छे खासे पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक मेजर पॉइंट की, जो है डेप्थ ऑफ फील्ड और बोके। तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड आपको दो ही रीज़न से देखने को मिलती है। एक तो छोटा अपर्चर, अपर्चर का साइज़ जैसे 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, इस तरह के अगर आपके पास अपर्चर वाले लेंस होंगे तो आपको अच्छे खासा डेप्थ ऑफ फील्ड और बोके देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरा रीज़न जो है जिससे आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलती है, वो है ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ। यानी आप जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा जूम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगी अपनी फ़ोटो पे। तो यहाँ पे 18-55mm लेंस तो बाहर हो जाता है इन तीनों की रेस में। तो बचते हैं दो लेंस, जो कि है 50mm और 55-250mm लेंस। अब चलिए मैं आपको इन दोनों का डेप्थ ऑफ फील्ड टेस्ट दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 50mm से शूट हो रही है, और इसमें आपको क्रिस्प बोके दिख रहे होंगे, यानी राउंड राउंड सर्कल्स, और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा होगा। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इसका अपर्चर साइज़ जो कि है 1.4। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये है 55-250mm लेंस से शूट हो रही है। इसमें आपको डेप्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें फोकल लेंथ ज़्यादा है। यानी मैं जितना जूम करूँगा उतनी आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगी। इसमें आपको बोके उतने नहीं मिल रहे होंगे देखने, जितने आपको 50mm में देखने मिल रहे थे। अब आप 50mm को थोड़े दूसरे लाइट कंडीशन में देखें। यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, फिर भी आपको देखिए फ़ोटो में अच्छी खासी लाइट है, डेप्थ ऑफ फील्ड है, और आपको बोके देखने को मिलते हैं। अब आप सेम लाइट कंडीशन में 55-250mm लेंस को देखिए। ये मेरा जो मॉडल है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके आप चेहरे पे देख सकते हैं, फेस पे देख सकते हैं, आपको बहुत ही कम लाइट दिखेगी एक बार ये फोकस हो जाए तो। आप यहाँ पे देखिए ये लो लाइट कंडीशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना कि 50mm लो लाइट में परफॉर्म अच्छा करता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दोनों ही लेंस से क्लिक की हुई पोर्ट्रेट को कंपेयर करके बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वाली 50mm से क्लिक की गई है और राइट हैंड साइड वाली 55-250mm लेंस से क्लिक की गई है। लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज में आपको चेहरा काफ़ी पतला दिख रहा होगा, वहीं पे राइट हैंड साइड वाली इमेज में आपको चेहरा मोटा दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 55-250mm लेंस आपको कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको दूर की चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखेगी। तो अब बात करते हैं एक और मेन फैक्टर की, जो है प्राइस। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एक लेंस खरीदते हैं। तो सबसे पहला जो लेंस है वो है 18-55mm लेंस। तो इसे मोस्टली लोग ना बॉडी के साथ ही परचेज कर लेते हैं। जब आप एक कैमरा खरीदते हो तो उसके साथ एक 18-55mm लेंस आप खरीद लेते हो। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा, अगर आपके पास इन केस पैसे नहीं है
और कोई लेंस खरीदने के लिए, तो आप इसी लेंस को अच्छे से यूज़ करो, इसी को मास्टर करो, इसी में आपको अच्छे से सीखना बहुत कुछ बाकी है। जब मैंने ये कैमरा ख़रीदा था तो मैंने 2 साल तक इसी लेंस से प्रैक्टिस की थी, फिर जाके मैंने 50mm लेंस ख़रीदा था। तो इसकी जो प्राइस है वो है 7,000 से 8,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी अच्छी किस्मत हुई, ऑफ़र में मिला, तो ये आपको 6,000 में भी मिल जाएगा ये लेंस। तो अब बात करते हैं सेकेंड लेंस की, जो है 50mm लेंस। ये अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं ना, तो इससे बढ़िया लेंस कोई नहीं होगा। 50mm से बढ़िया प्राइम लेंस आपके लिए कोई नहीं होगा। ये बड़े बड़े फोटोग्राफर जितने भी हैं, ये सब यही लेंस सजेस्ट करते हैं कि आपके पास एक 50mm लेंस तो ज़रूर होना चाहिए अगर आपको पोर्ट्रेट्स क्लिक करना है। तो इसकी जो प्राइस है, इसे मैंने ख़रीदा था, इसे 7,400 में मैंने ख़रीदा था 2 साल पहले, और अब इसकी प्राइस है अराउंड 8,000 से 9,000 तक के बीच में आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं 55 टू 250 मिलीमीटर लेंस के प्राइस की। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 11,000 से 13,000 के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप एक बिगिनर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तो ज़रूर इस लेंस को लें, ये आपको अच्छे खासे शॉट्स देता है। इसकी भी आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आपको एक लिंक में मिल जाएगी इसके ऊपर वीडियो। तो इसका एक वेरिएंट भी आता है STM वर्जन, जो कि आपको महंगा मिलेगा, 15,000 से 18,000 के बीच में मिल जाएगा। STM कुछ नहीं, एक मतलब एक टेक्नोलॉजी है। जब भी आप एक वीडियो पे फोकस करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं वीडियो में, तो वो नॉइस रिड्यूस करके देता है। तो अब आपके ऊपर है, मैंने तीनों लेंस की प्राइस बता दी है, तीनों लेंस के बारे में बता दिया है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेंस पसंद आया और कौन सा लेंस आपको ख़रीदना चाहिए। तो इन दी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हम और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार आ रहे हो, तो चैनल के नीचे दिए गए वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, ताकि हमसे आने वाली आपको ऐसी वीडियोस और भी रेगुलरली मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।